सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 11, विच इज डिफरेंटली एबल्ड. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द पर्सन हु हैव सम फिजिकल डिसेबिलिटीज, बट इन स्पाइट ऑफ दिस फिजिकल डिसेबिलिटीज दे डिड नॉट लूज होप, दे डिड हार्ड वर्क एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स लर्न अबाउट दिस डिफरेंटली एबल्ड पीपल. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन इज, वेट, बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन, दिस इज योर लेसन नंबर 11, डिफरेंटली एबल. इट इज ऑन पेज नंबर 19. इट इज ऑन पेज नंबर 19. सो इफ यू ऑल हैव बुक, सो जस्ट ओपन पेज नंबर 19. ओके, सो वन बाय वन I will read each and every point, so just listen carefully, okay? So point number one is, she is an accomplished Bharatanatyam dancer, Indian film and television actress who lost her leg in a road accident in May 1981. She has acted in Telugu film Mayuri, which was inspired by her real life story. वह एक भरतनाट्यम डांस 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 करती थी और फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस भी है, और इन्होंने अपना पैर खो दिया था एक रोड एक्सीडेंट में मई 1981 में, और इसके बावजूद भी इन्होंने तेलुगु फिल्म मयूरी में काम किया जो कि इंस्पायर थी इनकी रियल लाइफ स्टोरी से. सो हू इज शी? यस, यू नो द आंसर. इफ यू डोंट नो, देन द राइट आंसर इज सुधा चंद्रन. सुधा चंद्रन इज द राइट आंसर. ये रही उनकी पिक्चर्स, आप देख सकते हैं, सुधा चंद्रन. नाउ पॉइंट नंबर टू इज, द ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व द यूनाइटेड स्टेट फॉर 12 ईयर अंटिल हिज डेथ इन अगस्त 1921, ही वॉज डायग्नोस्ड विथ पोलियो विच लेफ्ट हिम विथ permanent paralysis from the waist down. However, his paralyzed illness could not deter him from leading the United States during a time of worldwide economic depression and war. तो ये जो थे वह इकलौते प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जिन्होंने 12 साल तक प्रेसिडेंट का पद संभाला. अपनी मौत से पहले जब समय था 1921 का, तो यह पोलियो नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिन्होंने इनको लगभग पैरालिसिस कर दिया इनके वेस्ट डाउन से, जहाँ से वो उनको नीचे झुकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. लेकिन इसके बावजूद भी यह बीमारी उनके इरादों को नहीं तोड़ सकी उस टाइम जब उनका देश एक इकोनॉमिक कंडीशन से जूझ रहा था और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर से भी. तो कौन है यह? Yes, the right answer is Franklin D. Roosevelt. Just fill the answer in your book. Franklin D. Roosevelt is the right answer of point number 2. ये रही उनकी pictures. You can see the pictures. Sometime question came in your examination. Identify by the picture. Who was he? Okay. So, he was a Franklin D. Roosevelt. Now point number 3 is, he is world physicist, cosmologist and the author of a brief history of time. He is nearly paralyzed and communicative through a speech generating device. His physical illness could not stop him research. So yeh jo the woh ek physicist the, cosmologist bhi the aur saath hi saath ek lekhak bhi the. To yeh पैरालिस होने के बावजूद भी एक स्पेशल तरह का व्हीलचेयर था जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, कॉलेज में स्पीच दिया करते थे. इतनी सारी बीमारियों के बावजूद भी यह अपनी रिसर्च नहीं रोक सके, इन्होंने अपनी रिसर्च की. ओके, सो हु वाज ही? अभी बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हाल ही में इनकी डेथ हुई है. ही इज वॉज अ स्टेफन हॉकिंस. Stephen Hawking is the right answer of point number 3. So just fill the answer in your book. ये रहा उनका pictures. You can see the pictures. He was a Stephen Hawking.
Now, point number 4 is, she was only 19 months old when she lost her power of hearing and sight. She learned to speak, read and write and became a good teacher and author. इन्होंने जब यह सिर्फ 19 महीने की थी तब अपनी देखने की शक्ति खो दी और सुनने की भी शक्ति खो दी. इसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, ओके, और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीचर और ऑथर भी बनी. सो हु वॉज शी, डू यू नो हु वॉज शी? शी वॉज अ हेलन केलर. हेलन केलर इज द राइट आंसर. जस्ट फिल द आंसर इन योर बुक. पॉइंट नंबर 4, यू कैन सी द पिक्चर. शी वॉज अ हेलन केलर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 5 इज, known as the wizard of Menlo Park, this prolific inventor with more than 1000 patents to his name was considered slow at school. At the age of 13, he caught scarlet fever which causes him to become almost deaf, but he overcame his disability to become the inventor of phonograph, motion picture camera, practical electric bulb and founded the company जर्नल इलेक्ट्रिक. सो हु वॉज ही? इन्हें तो लगभग हर बच्चा जानता है. हु वॉज ही? आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी. ये जो हैं, इन्होंने अपने नाम लगभग 1000 तरह के आविष्कार अपने नाम पर दर्ज करा रखे हैं. जब ये सिर्फ 13 साल के थे तो इन्हें बहुत ही खतरनाक बुखार ने जकड़ लिया जो कि लगभग इनको पैरालाइज करने ही वाला था और डेफ यानी कि बहरा करने वाला था. लेकिन जैसे तैसे यह अपनी बीमारी से बाहर निकले और इन्होंने ढेर सारे आविष्कार किए जिनमें से कुछ हैं फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर्स, कैमरा, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द फाउंडेड द कंपनी जर्नल इलेक्ट्रिक. इन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम था जर्नल इलेक्ट्रिक. सो शी ही वॉज नन अदर देन थॉमस अल्वा एडिशन. थॉमस अल्वा एडिशन इज द राइट आंसर ऑफ पॉइंट नंबर 5. You can see the picture. He was a Thomas Alva Edison who invented the electric bulb. Okay. Now point number 6 is, he lost both his leg in an accident when he was a child. He went on to become a very successful ocean and river swimmer. He was the first physically challenged person to conquer the English Channel. यह जब छोटे थे तो इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए एक एक्सीडेंट में. उसके बावजूद भी यह सबसे फेमस ओशियन और रिवर स्विमर बने यानी समुद्र में और नदी में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तैरने वाले व्यक्ति. ओके, ही वॉज द फर्स्ट फिजिकली चैलेंज पर्सन टू कंक्यू द इंग्लिश चैनल को भी तैर कर पार किया है इन्होंने. इंग्लिश चैनल को भी इन्होंने तैर के पार किया है. सो हु वॉज ही? Yes, he is a Masudur Rahman Badaiya. Masudur Rahman Badaiya is the right answer of point number 6. You can see the picture. He is a Masudur Rahman Badaiya. इनके दोनों पैर नहीं हैं, इसके बावजूद भी ये बहुत बेहतरीन तैराकी करते हैं. Alright student, so this is your lesson number 11. Okay? So now your work is to learn all the questions and write all the questions in your fair copy. Okay, so till then, stay home, stay safe, keep study. Bye bye.